नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फौजन की रसोई में। आज फौजन की रसोई में ढोकला बनाने की रेसिपी दिखाई जाएगी, जो कि हमारे राजस्थान में बारिश के रूप में बहुत ही ज्यादा खाए जाते हैं। और ये ढोकले जो है स्पेशली लगभग तो हम दाल के साथ में खाते हैं, लेकिन क्या हम इसे बिना दाल के भी खा सकते हैं? इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फैमिलीज के साथ में, फ्रेंड के साथ में, सभी के साथ में। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। धन्यवाद। ढोकला बनाने के लिए हम गेहूं का आटा लेते हैं, जो कि सभी के घर में होता है। गेहूं का आटा जो लेंगे हम मेंबर के हिसाब से लेंगे। जैसे दो मेंबर है तो उसके लिए हम चार से पाँच कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। उसमें हम जो है अजवाइन और आखा जो धनिया होता है उसे हम हाथ से क्रश करके डाल देंगे। उसके बाद में हम मसाले ऐड करते हैं, जैसे मिर्च, नमक, ये जो है हम भर भर के एक एक चम्मच लेंगे, क्योंकि हमें इसमें मसाला जो है वो तेज चाहिए होता है। और उसके बाद में आपने देखा मैंने इसमें जो डाला है वो है खारा, जो कि हम पापड़ बनाते हैं ना उस समय यूज़ लेते हैं, तो ये भी हमने एक चम्मच लिया है। उसके बाद में मैंने जीरा डाला है और मोइन के लिए मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद में हम इस पूरे आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम पानी की सहायता से जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को हम गूँथेंगे। आटा जो है हमें थोड़ा सख्त गूँथना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। रोटी की तरह हमें इस आटे को जो है सॉफ्ट नहीं गूँथना है, तो इस आटे को गूँथने के लिए हमें बहुत ही कम पानी लगाना होगा, वरना जो है ज़्यादा पानी एकदम से डाल देने से आटा जो है गीला हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ले रही हूँ और इस आटे को हम गूँथ रहे हैं। अगर हम जैसे कोई दूसरा ढोकला बनाते हैं जिसमें लौकी या अदर जो सब्जी डालते हैं, तो उसके लिए सॉफ्ट आटा अपने आप से गूँथ देता है, क्योंकि उसमें हम सब्जी डालते हैं। लेकिन इसके लिए जो है हम सख्त आटा लगाएंगे, तो सख्त आटा होने के कारण एक हाथ से आटा नहीं गूँथा जा रहा है, इसलिए दोनों हाथ यूज़ में हम ले सकते हैं। और इस तरीके से हमारा आटा जो है वो गूँथ करके तैयार है। आटा गूँथने के बाद में हम क्या करेंगे कि हम इसकी लोए निकालेंगे। लोए जो हमें लेनी है वो ना तो रोटी की तरह लेनी है और ना ही पराठे की तरह, समझ ले दो पराठे की जो हम लोए लेते हैं ना, वो दो पराठे की हमें एक लोई लेनी है इसमें, ठीक है। इस तरीके से हम अच्छे से लोए बना लेंगे। अब मैं ये हमारे हाथों से जो है हम इसे नीचे परात में रख कर के प्रेस करेंगे, क्योंकि आटा सख्त है इसलिए। और इसके बाद में हम इसके बीच में से जो है होल करेंगे, ताकि क्या होगा कि ढोकला जो होगा वो पूरी तरीके से सीकेगा, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे ढोकले बना करके तैयार करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक भगोने में या कोई भी बर्तन हो उसमें हम गर्म पानी रख देते हैं पहले से। पानी गर्म होने के बाद में हम सारे ढोकले को इसके अंदर डाल के उबालेंगे। उबालते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे बीच बीच में इस तरीके से ढक्कन हटाकर पलटते रहना है, ताकि जो हमारे ढोकला जो होगा वो नीचे पैंदे में ना चिपके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और लगभग 15 से 20 मिनट बाद में हमारे ढोकले जो है उबल करके तैयार होंगे। इसके बाद में हम छौंका लगा लेते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई लेते हैं और 2 चम्मच ऑयल लेते हैं। जीरा डाल के देख रहे हैं कि छौंका आ गया है, छौंका आ गया है तो जीरा डाल देते हैं। और मिर्च ली है मैंने 2 कटी हुई, एक टमाटर लिया है बड़ा, और अब मैंने इसमें जो है प्याज ऐड किया है। प्याज मैंने अभी आधा डाला है, आधा प्याज मैं लास्ट में डालूंगी। अब हम मसाले ऐड करते हैं। उसके लिए मैंने मिर्च, नमक और धनिया पाउडर डाला है और थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि थोड़ी सी जो है इसमें ग्रेवी रहे। अब हमारे ढोकले जो है लगभग पूरे बन चुके हैं, तो आप ये देख सकते हैं जो आटे का पानी था, आटा जो था वो पूरे इस पानी में लगभग उतर उतर के इन ढोकलों से घुल गया है इसमें। और हम चाकू डाल के देख रहे हैं, एकदम साफ चाकू निकल रहा है, इसका मतलब हमारा ढोकला बन करके बिल्कुल तैयार है। ढोकले को जो है हम दाल के साथ में भी खा सकते हैं घी लगाकर,
या हम जो है इसे घी डालकर शक्कर के साथ में भी खा सकते हैं। मुझे तो वैसे बात बताऊँ तो मुझे शक्कर के साथ में ढोकला बहुत अच्छा लगता है। आप भी खाएं दाल के साथ या शक्कर के साथ, खा के बताएं आपको किसके साथ अच्छा लगता है। या मैं अब आपको आगे बताऊंगी इसे स्पाइसी करके खाने में कैसा लगता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे ढोकले को जो है हम चाकू की सहायता से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। यह मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि जो मैंने तड़का बनाया था ना पहले, और जो ये अभी हमने ढोकले के जो पीसेस किए हैं चाकू की सहायता से, ये मैंने उस तड़के में ऐड किया और ये इस समय मैं ना जो वीडियो ऑन करना भूल गई थी, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो उस मसाले के अंदर हमने जो है ये ढोकले के पीसेस ऐड किए और जो बचे हुए जो प्याज थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए और थोड़ी सी जो है लहसुन की कलियाँ थी उसे भी हमने इसमें कूट करके डाल दिया है। इस तरीके से हमारे जो है ये ढोकले स्पाइसी बन करके तैयार हैं। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दाल बनाएं या नहीं बनाना चाहते हैं, तो भी हम जो है ढोकले का इस तरीके से स्पाइसी करके जो है मज़ा ले सकते हैं और ये रियली खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज लगते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप भी खाएं और बनाएं और मुझे बताएं। धन्यवाद।